हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट पे बात करते हैं फाइनली डिज्नी की आ रही एक और लाइव एक्शन फिल्म हरक्यूलिस के बारे में, जिस फिल्म को डिज्नी के साथ साथ प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी रूसो ब्रदर्स ने भी उठा रखी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एक साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक की कोई भी अपडेट जो इस सीरीज के साथ में जुड़ी हुई थी, उस पर स्टूडियो ने पूरी तरीके से साइलेंट रखते हुए अब एक काफी बड़ा धमाका इस सीरीज के साथ में डायरेक्टर को अटैच कर दिया है, जो नाम गाय रिची का है, जिन्होंने इसके पहले डिज्नी के लिए अलादीन जैसी लाइव एक्शन फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। और अब उनके आने से ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि हरक्यूलिस के इस यूनिवर्स में यानी कि इस फिल्म से हमें क्या कुछ देखने मिल सकता है, जिसे अगर मैं काफी सिंपल कर समझाऊं तो हो सकता है कि ये फिल्म भी उस 2D एनिमेशन फिल्म की फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक हो, जिसे मैं तो वैसे ही बनता हुआ देखना चाहूंगा, क्योंकि उसका अच्छा खासा रीजन मैंने अलादीन फिल्म के रिव्यू में आपको एक्सप्लेन किया था कि डिज्नी लाइव एक्शन फिल्म आज की जनरेशन को ध्यान में रखकर बना रहा है, बाकी पुरानी ऑडियंस के लिए तो ये किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं। जिन मोमेंट्स को हमने 2D में देखा था, तो अब उसे 3D में देखने का ऑप्शन, लाइव एक्शन में देखने का ऑप्शन, वो भी 3D के साथ, कितना ज्यादा अलग रहता है कितना नहीं, उन सभी चीजों का आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर चुके हो। और अब इस फिल्म के साथ जो डायरेक्टर की अटैचमेंट हो गई है, तो शायद से हो सकता है कि जल्द ही हम अनाउंसमेंट इस फिल्म में हो रही कास्टिंग की भी कर दी जाए, क्योंकि एक नाम जो हरक्यूलिस के कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा चल रहा है, जो पर्सनली मुझे नहीं पसंद, वो टॉम हॉलैंड का है, जिस रोल में मैं उन्हें बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, और ना ही क्रिस इवान को, बल्कि मेरे हिसाब से इस रोल के लिए टायरन एडगर्टन बिल्कुल ठीक रहेंगे, जिन्हें अब तक डिज्नी वालों ने कोई भी फिल्म बिल्कुल भी ऑफर नहीं की है। बाकी आई होप कि इस फिल्म के साथ में जो कुछ भी हो वो अच्छा ही हो, जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।